आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रूपा सुयाल व्लॉग्स में। दोस्तों, दिन में के 12:30 बज रहे हैं और अभी मेरा दिन में का खाना बन गया है। और आज संडे है तो वो पति देव भी आज दुकान नहीं गए हैं। थोड़ी देर बाद वो जाएंगे, खाना पीना खाने के बाद जाएंगे दुकान में। तो मेरी भी दुकान की छुट्टी है आज। अभी खाना पीना मैंने बना के तैयार कर दिया है, तो खाना खाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। खाने में मैंने बनाए हैं राजमा की दाल और चटनी। तो वेदू के पापा का खाना है ये, और मैं अपने लिए लेके आ रही हूँ। वेदू अपने पापा के साथ बैठेगी, चलो बैठ जाओ। दोस्तों, शाम के 4 बज चुके हैं और वेदू अभी सोके भी उठ गई है। दिन में जब हम लोगों ने खाना वाना खाया, उसके बाद बारिश आने का मौसम हो गया था, सारा सामान बाहर से फैलाया था, कपड़े वगैरह सब कुछ और बिस्तर भी, तो वो सब सेट करा और उसके बाद बर्तन धोए, फिर मैं इसके साथ लेट गई अंदर कमरे में। और अभी शाम के टाइम में मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है घर के काम तो मैं डेली दिखा नहीं सकती, तो सोचा कि कुछ अलग होगा तो वो ही दिखाऊंगी। अभी तो हम लोग खा रहे हैं नाशपाती, ये घर की नाशपाती है, यहीं की नाशपाती है, सेब का जैसा लग रहा है, सेम टू सेम। तो वेदिका ने आधी खा दी है, और कैसी हो रही है वेदिका बताएगी? बढ़िया हो रही, मीठी हो रही ना? नहीं हो रही, हो रही है। अच्छी हो रही है, यार। अच्छी हो रही है। मैं तो बिना छिले खाई हूँ। आराम से खा, गले में लगेगा। मैं अभी कर रही हूँ गमलों में हल्के से छेद, ये नए गमले लिए हैं, मम्मू रानी ने भेजे हैं मुझे। एक में मम्मू रानी के लिए फूल लगाने हैं, और एक गमले में मैं अपने लिए तुलसी लगाऊंगी, क्योंकि हमारी तुलसी सूख गई थी, उसके बाद मैंने लगाई भी नहीं थी। तो एक गमले के पैसे मैंने दीपू को देने हैं। और मम्मू रानी परसों जब घर आई थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपका ये बाहर वाला फूल अच्छा लग रहा है, मैं आपके लिए गमला भेजूंगी, आप मेरे लिए भी उसमें फूल लगा देना, क्योंकि अगर वो कटिंग ले जा रही थी तो कटिंग सूख जा रही थी, मतलब अच्छे से हो नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे बोला था कि आप लगा देना करके। तो दो ये गमले में मैंने छेद कर दिए हैं हल्के, आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। अब मैं लगाती हूँ इसमें, एक में तुलसी एक में फूल। बाहर से जो ये वाला फूल मैंने लगाया है, ये बहुत अच्छा लग रहा था। उसके कुछ टाइम बाद जब मम्मू लोग आए थे, उसके कुछ टाइम बाद इसमें हल्का कीड़ा भी लगने लग गया था, तो इस साइड का फूल पूरा ख़राब हो गया है, मतलब इसके पत्ते वगैरह सब मैंने निकाल दिए हैं, और कुछ इस तरीके से ये पत्ते ख़राब हो जा रहे हैं। अब मैं इसमें से एक कटिंग निकालती हूँ और दूसरे वाले उसमें गमले में लगा देती हूँ। तो मैं जाने लग गई हूँ अपने बाड़े की तरफ को, और हल्की सी मैं राजमा भी लेके आई हूँ, इसको भी मैं छिड़क दूंगी वहाँ, क्योंकि कल मैंने हल्का साफ किया था, और सुबह पतिदेव भी वहाँ गए थे तो उन्होंने भी हल्का फुल्का साफ किया होगा घास, तो जो जगह मुझे खाली दिखाई देगी मैं वहाँ राजमा डाल दूंगी, और गमलों में मिट्टी भी ले आऊँगी वहाँ से। तो राजमा मैंने लगा ली थी, और अब जब कभी होगी तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाई दूंगी। अब मैं यहाँ से तुलसी ले जा रही हूँ, बड़े गमले में चाची ने तुलसी लगाई थी तो वो लगाती हूँ, और फूल की कटिंग मैंने काट के आगे से रखी हुई है, ये वाली सही है, कौन सी सही है, मेरी बेटी यहाँ खेल करने में लगी हुई थी जब मैं वहाँ से आई, तो अच्छे से खेल कर रही थी। तो तुलसी का पेड़ तैयार हो गया है, अब मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, इस गमले को हटा के, और यहाँ पर देखो मेरी गैर हाजिरी में मेरी बेटी ने ये पूरा गमला ख़राब कर दिया, इसकी मिट्टी नीचे फेंक रखी है, अभी इसको बताऊंगी मैं गाइस, बहुत काम बड़ा है इसने मेरा। रात के 7 बज चुके हैं और 7 बजे हम लोगों के यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है। अभी हुई थी हमारे यहाँ बारिश, और अचानक ही मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हुई और उसके उससे इतना ठंडा हो गया है, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है मौसम। ये मैडम को देखो, टैडी का और सारा ऊन निकाल के लाई है, जा रुई अंदर रखा जा बाबू,
सारी रुई निकाल दे रही है आजकल ये ऐसे ही। तो कुछ इस तरीके का लग रहा है हमारा रामगढ़ शाम के टाइम में। और हमारी दुकान के देखो, इसको भी पता चल गया मैं जहाँ की बात कर रही हूँ। तो हमारी दुकान के आगे से जो लाइब्रेरी बन रही है वो कुछ ऐसे ही दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ लाइटिंग भी बहुत अच्छी हो रखी है, मतलब अंदर साइड भी और बाहर साइड भी। वेदिका थोड़ी देर चुप हो जाओ बाबू, थोड़ी देर चुप हो जाओ बाबू, मैं बता रही हूँ गाइस को। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइट लगा रखी है। तो अभी भी वहाँ शायद पेंटिंग हो रही होगी, इसलिए वहाँ की लाइटें सारी की सारी खुल गई हैं। तो इतनी रोशनी होती है कि मुझे लगता है हमारी दुकान के आगे की लाइट शायद वो नहीं जलाते होंगे। तो अभी मौसम कुछ ऐसा है, अभी भी लगे हुए हैं घने घने बादल, देखते हैं रात तक और बारिश हो सकती है। तो अभी मैंने सब्जी काट दी है भिंडी की, और अब मैं इनके लिए थोड़ा सा करेले की सब्जी भी बनाती हूँ। और भिंडी की सब्जी अपने लिए बना रही हूँ और करेले की सब्जी इनके लिए, क्योंकि इनको करेले दिए थे सुबह, शायद बगल वाली दीदी ने दिए होंगे तो वो करेले ख़राब हो जाएंगे, इसलिए इनको अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा करेले भी बना लेती हूँ। और हम लोगों का चाय पानी वगैरह हो गया है, अभी रोडीज़ भी आया हुआ है, 7 बजे से रोडीज़ आता है, तो मैं रोडीज़ भी देखती हूँ और खाना भी बनाती हूँ साथ साथ। आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर। मैंने ली थी ये नई वाली रिंग लाइट, तो ये कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, और मैं इसको खड़ा भी कर सकती हूँ। पहले वाली जो थी वो तो मैं सिर्फ पकड़ सकती थी, लेकिन अब ये स्टिक जैसी यहाँ पे दिखाई है ये खड़ी हो सकती है। और कुछ इस तरीके का है, ये यहाँ पे लाइट लगी हुई है। तो आप लोगों को एक बार खोल के दिखा देती हूँ मैं कैसा है क्या है करके। तो ये है मेरी नई सेल्फी स्टिक, और कुछ इस तरीके की ये दिखाई देती है। ये इसके साथ आया हुआ है ये चार्जर, जिससे ये लाइट चार्ज होगी, और यहाँ पे से इसको कनेक्ट करने वाला है। इसको चार्ज करने के बाद यहाँ से इसको अगर मैं दबाऊंगी तो तब इसमें लाइट जलेगी शायद। अभी मैंने ये यूज़ नहीं करा है, कभी आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे से ये इसका ब्लूटूथ कनेक्ट होगा, तो इसको ऑन करूँगी और अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करूँगी तो फिर ये कैमरा चलने लग जाएगा। और यहाँ पे से ये आपका फ़ोन रखने के लिए है, खड़े करके भी रख सकते हैं, तिरछे करके भी, और इसको मैं जितना बड़ा करना चाहूँ मैं इतना ही बड़ा कर सकती हूँ। और लास्ट चीज़ है ये, जिसको मैं ऐसे करके खोल सकती हूँ कुछ इस तरीके से, ये देखो। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से खड़े भी कर सकती हूँ। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वाली सेल्फी स्टिक, आप लोग कमेंट में बताना। और सही है, मतलब मुझे तो सही लगी, बस मुझे इसकी आदत बनानी है कि इस तरीके से मुझे इसको यूज करना है करके। तो इसको चार्ज में लगा के आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार। तो मैंने चार्ज पे लगा दिया है इस स्टिक को, और इसकी लाइट कुछ ऐसे चार्ज होती है, तो रेड कलर की लाइट जल रही है चार्ज होते वक्त। और जब मैं इसको ऑन करूँगी ना, अभी यूज़ करूँगी तो देखूँगी क्या होता है, कैसी जलती है, क्योंकि मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, अभी मेरे को इसको यूज़ करना भी नहीं आता है। तो मैंने अपने फ़ोन का ये जो चार्जर है उसको निकाल के यहाँ पे से, मतलब इसकी जो लीड है वो निकाल के इसमें अटैच करी है। पहले मैंने ये सोचा था ये फ़ोन में अटैच करने वाला होगा, मुझे ये नहीं पता था इससे ये चार्ज होता है। और यहाँ पे कैमरा का साइन दिया गया है, तो ये इसको क्लिक करूँगी तो शायद ऑन हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों रात के बजने वाले हैं 11, और अभी मैं अपनी अलमारी सेट कर रही थी और खाना हम लोगों ने खा लिया था 9:30 बजे। उस समय से अभी तक मैं कुछ ना कुछ करने में लगी हूँ, और मैडम जी सोने का नाम नहीं ले रही हैं। इसके पापा तो ऊपर सो गए, क्योंकि ये महारानी जी सोने में बहुत नाटक करती हैं, तो उन्होंने बोला मैं तो जा रहा हूँ ऊपर सोने के लिए। और उनको शायद एक दो नींद आ गई होंगी, और ये मैडम अभी तक नहीं सो रही हैं, तो इतना परेशान कर, इतना परेशान में तो मैं क्या, ओजिया लाइट चली गई अब। तो इनका तो कोई भरोसा भी नहीं है मुझे, कब सोएंगी कब नहीं सोएंगी। तो मैं तो अब लाइट चली गई है, मैं तो बिस्तर के अंदर घुस जाती हूँ और इनको शैतानी करने देती हूँ। जब तक मैंने अलमारी सेट करी तब तक ये कभी कुछ उठा रही थी वहाँ से, कभी कुछ, तो अभी भी उठाने में ही है। मैं सोती हूँ और ये मैडम को ऐसे ही रखती हूँ यहाँ पे,
आप लोगों को मैं मिलूंगी कल के नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने घरों में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय। टकलू वहीं।